बदतमीजी करके गया फिजा वीडियो बना रही थी मुझे आगे कहता है नो वीडियो मैंने पहले भी कहा है कह रहा है मैं तुम्हें निकाल दूंगा शो से। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स क्या हाल चाल है, दिस इज बॉय मूसा खाना, वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। मेरे साथ है मेरी वाइफ फिजा खाना और आज का प्लान ये है कि कैफी खलील है इसके कॉन्सर्ट पे भी हम जा रहे हैं। बिफोर गोइंग इनटू दिस वीडियो एंड कंटिन्यूइंग दिस व्लॉग, बॉयज एंड गर्ल्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वीडियो, इट हेल्प्स योर बॉय अ लॉट टू कीप मेकिंग दिस व्लॉग्स। मी एंड माई वाइफ वी आर रेडी फॉर द लिटिल कॉन्सर्ट। हमें ये नहीं पता कि अब वो कॉन्सर्ट करा रहा है या कोई इंटरव्यू है। कहानी सुनो नहीं होगा 2.0, इंटरव्यू सुनो 2.0 हो गए। इन बोथ केसेस आपको उसकी कहानी तो सुनने को मैंने तो उसकी कहानी सुननी है जाके, लेकिन गाने वाले वर्जन में। एक दफा जब उसको हुआ था प्यार, हाय अल्लाह, एक तो ये जो लड़कों को प्यार हो जाता है ना बहुत ज्यादा। I've heard उसको उर्दू भी नहीं आती थी, this was, I think is like, अब उसे सीखी है। अब सीख लिया ना गाने के, गानों के लिए ना। His first song famous was कन्ना यारी though। लेकिन मैंने तो कहानी सुननी है। Not to the singer, I think he's a lovely person and a very good singer। लेकिन मैंने उसका गाना ना कोई तरसो परसों तक नहीं सही तरह सुना था, मुझे फिजा ने सुनाया था कि सुन तो लो, मैंने सुना, मैंने कहा ओके Not a bad song. तो देखते पता नहीं कितने देसीज आए होंगे कितने नहीं आए होंगे, hopefully ज़्यादा crowd ना हो। खैर anyways boys and girls we'll see you there. Boys and girls scene ये है कि मैं जिस जगह पे इवेंट हो रहा है ना, यहाँ पे पहले भी आया हुआ हूँ, यहाँ पे ना PTI का कोई इवेंट हो रहा था तो ये यूजली देसी लोग यहाँ पे इवेंट कराते हैं, तो चेक करते हैं अंदर जाके क्या सीन है। गाड़ियाँ इतनी तो नहीं है अभी, लेकिन इवेंट पे पहले भी हम आ गए टाइम से। सिंगर या आर्टिस्ट होते ना बॉयज एंड गर्ल्स पे दो मर्जी दुनिया में बंदे ने पुटा, सारे आपको देखने आते हैं। चेक करो माशाल्लाह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस मैन, सो फार ही हैज कम। लेकिन देखते हैं अभी इफ ही हैज कम हियर और नॉट, पता चले कैफी खलील ने अंदर सैफी खलील खड़ा हो गली बाल वाला खड़ा किया हो। हाय गाइस दिस इज मी, आपका अपना सैफी खलील। लाइक यू नो हियर इट गोस, here it goes, let me tell you a story about one time I was in ishq. nahi bhai log aaye main laga hua event laga hua number let you see that's yeah. fine and it says reserved yeah it's reserved for oh okay so any table that's not reserved we can sit on it okay perfect thank you boys and girls ye to ga raha samne aa bhi gaya jaldi aa gaya yahi hai faza boys and girls samne gana bhi shuru ho gaya hai why सीन ये कि अभी वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी साउंड चेक हो रहा है ना, तो वो मिस्टेक्स होती हैं उसमें। गा अच्छा रहा है वैसे, मुझे लगा सिर्फ अपने ही गाने गाएगा, लेकिन वो दूसरे भी गा रहा है गाने। अच्छा मजे की बात है सारा कुछ रिजर्व्ड है, है? मुझे पता ही नहीं था कि रिजर्वेबल भी है ऑप्शन, इफ आई न्यू कि रिजर्वेबल है मैं तो आगे ले लेता। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? मैं कह तुम्हारा दिल आ गया शायद उस पे, बिठा दूं तुम्हें साथ उसके। बहुत हंसी आ रही है हां, उसके टीम में तू कैसी है फिजा आई। हां फिजा जब एंटर हो रही थी बॉयज एंड गर्ल्स, अभी ना बंदा मेरे से जरा बदतमीजी करके गया, फिजा वीडियो बना रही थी मुझे आगे कहता है नो वीडियो मैंने पहले भी कहा है, मैंने कहा बदतमीजी क्यों कर रहे हो, कह रहा मैं तुम्हें निकाल दूंगा शो से। काफी ज्यादा लोग उस बंदे की बदतमीजी के शिकार हैं इस वक्त, तो टेबल पे डिस्कशन चल रही है। मैं तो चाह रहा हूँ दोबारा करें मेरे साथ बदतमीजी एक दफा और प्लीज। हाँ तो मैं शो क्रिएट कर देता हूँ ना यहाँ पे, अब मेरी बदतमीजी सुनो। सन अ बिच, सही बात है, आ जाओ यार डिनर चेक करें क्या खाऊंगा, तो गुस्सा शायद नीचे हो जाए। सिंगल टाइटल और थंबनेल वीडियो को यही होगा, बदतमीज मैनेजमेंट। अच्छा ये चिकन कोरमा वगैरह है, स्पगेटी है बॉयज एंड गर्ल्स, राइस है, ये वाले डाल दो। हाँ मुझे थोड़े से चाइनीज चावल लग रहे हैं। हाँ बस 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 मुझे एक डाल दो रोटी, बस ये एक और ज़्यादा नहीं। हाँ बॉयज एंड गर्ल्स अब देखो लोग कितने आए हुए यहाँ पे, ठीक है इतनी ज़्यादा महफिल भर के, लेकिन ये बस सीटें भी नहीं है कि लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अंदर बैठ के नहीं आपको खाना खाने को अलाउड ना, एकदम जैकेट फेंक के लोग बैठ जाएंगे। फेंक के तो सही जैकेट, मैं उस मुच्छड़ को ही पकड़ लूंगा। मैं तो फिजा को कह रहा हूँ मुझे एक मौका और दे, वो मेरे से लड़ने आए मैं फिर बताता हूँ। मैंने कहा फिजा तू कैमरा पकड़ ली, मेरे रिकॉर्ड करी, मैं देखी उसकी कैसी कैसी की तैसी फिर। तो बॉयज एंड गर्ल्स टेस्ट टेस्ट, अब तेरी इतनी मिर्चें, बहुत मिर्चें बॉयज एंड गर्ल्स में, आई मीन खाना बनाने की तमीज़ ही नहीं है यहाँ पे यार। मतलब मैं शादी के खाने भी पाकिस्तान में खाता हूँ, हर जगह टेस्ट डालने के लिए मिर्चें थोड़ी डाल देते हैं अंदर, एक्स्ट्रा मिर्चें मुझे टेस्ट फील ही नहीं हो रहा। 2 out of 10 वेरी बैड। चावल इज ब्लैंड, चावल इज लाइक बॉयल्ड चावल है और कैरेट्स वगैरह डाले हुए हैं,
2 out of 10 spaghetti check karte hain. Spaghetti bland as f- lettuce bhi buri hai. ये लो जी, ये मेरा फूड रिव्यू सुनो. नहीं मजा आया खाने का. कूड़े में फेंकने जा रहा ना, बुरी बात है रिज नहीं जाया करना चाहिए, लेकिन कहाँ रखो रिज को. सारे कह रहे हैं कि लाइन में जो लगे हुए कह रहे थे सारा उठा के फेंक दिया. मजे का ही नहीं है बिल्कुल भी. मैं क्यों अपने आप को डिस्ट्रॉय करूँ. घर जाके इससे अच्छा ना मैं वो पिज्जे पड़े कल वाले वो खा लूंगा. चाय बॉयज एंड गर्ल्स, चाय इज ओके, नॉट बैड. चाय इज लाइक 5 out of 10. बॉयज एंड गर्ल्स सीन देखो ना, लोग सोफिस्टिकेटेड आए हुए हैं, अच्छे आए हुए हैं, लेकिन फिर भी ना जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इवेंट करा रही है वो लोग लाइन में खड़े हुए हैं. जी जल्दी जल्दी करें, आगे जाएं. भाई मैं कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में गया था, ठीक है, कुछ 30-40 हज़ार बंदा आया हुआ था. उधर मुझे फीलिंग आई थी वो समथिंग स्पेशल, तमीज होती है एक चीज कराने की. इधर मुझे ज्यादा थर्ड क्लास सिटीजन फीलिंग आ रही है, जो मैं अपने मुल्क के लोग हैं. और ये मुच्छड़ अगर तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे मुंह पे लख भी लाना. सब कह रहे थे, सब कहते बदतमीजी कर रहा है सबसे बंदा. इतनी बड़ी बुजुर्ग आंटी उसे बदतमीजियां कर रहा है. आई एम नॉट इवन किडिंग. मैं जब फेस 5 में होता था ना, LGS फेस 5 में, मैंने आते वसलम RDB के साथ बैठ के साउंड चेक कराए. मैं जब वो पहले आता मैं सिक्योरिटी का हेड होता था उधर, तो उनके साथ मैं साउंड चेक करा के वीडियोस भी बनाता था. अब यहाँ पे देखो, अगर वो साउंड चेक कर भी रहे, हाँ. कौन सा बैकग्राउंड में वो कई और कहानियां सुना रहे अपनी. इधर तो सुनाई नहीं उसने अभी तक. भाई बॉयज एंड गर्ल्स ऐसे लग रहे किसी शादी पे आया हूँ मैं. बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं गुब्बारों के साथ, स्टेजों से गिर रहे हैं, लोग खाने पे लड़ रहे हैं. ये देखो ये फूल का गुलदस्ता मेरे आंखों के आगे लगाया हुआ है और लोग अभी तक लड़ रहे हैं, खाने पे आए नहीं वापस. 30 मिनट हो गए, लाइक कम ऑन. बॉयज एंड गर्ल्स मैं आपको बताने लगा हूँ, ये सारा इवेंट हो रहा है, वी आर अबाउट टू लीव. देखो ये शादी का इवेंट नहीं लग रहा तुम लोगों को, बहुत अच्छा मैनेज करा है माशाल्लाह. और वो बंदा अभी तक नहीं आया, वो 2 घंटे से आए हैं इस इवेंट पे. आ जाओ निकले, लोग भी निकल रहे. कह रही है भागे, मैंने कहा आगे तो मैं क्या करूँ, मैं तो डिसीजन बना लिया, उठ गया बस. It's not about waste of money, it's waste of my time. भाई अगर रिजर्व के एक्स्ट्रा पैसे थे तो मैं दे भी सकता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है. हैं? Even on reserve there was nothing. हाँ रिजर्व वाले भी हैं, भी बैठे मैं आगे पीछे. आपको थर्ड क्लास सिटीजन वाली पहले तो पीछे बैठा दिया सबसे, मेरी आंखों के आगे गुलदस्ता रख दिया. मैं उसको देखूँ, कैफी खलील को देखूँ. कितना मजा आया आप लोगों को, बेस्ट इवेंट था. मैंने फिजा से भी पूछा, मैंने कहा तुम्हारा दिल तो नहीं है इवेंट पे जाने का. वो भी कह रही कि यार आपकी जहाँ भी रिस्पेक्ट नहीं होती, व्हाई वुड यू स्टे. जब बंदा कोई फेमस होता है अपने फैंस की वजह से ही फेमस होता है. इट्स नॉट लाइक वी वर फैंस टू बी ऑनेस्ट. मैं तो नहीं था भाई, मैं तो वैसे ही आया था. मैं आप लोगों के लिए आया था स्वेयर के. मैंने कहा था चलो अमेरिका में इसका कॉन्सर्ट हो रहा है, आप लोगों को दिखा दूंगा. यार देखो उसकी गलती नहीं है, जो एज अ पर्सन आई अप्रिशिएट हिम, जो कैफे गली ले उसकी कोई गलती नहीं है. बेचारा मासूम सा बच्चा है, ऐसे आपको ट्रीट कर रहे हैं क्या? होमलेस उठ के आ गए अंदर. वो बंदा मेरे पास आया, ठीक है, बदतमीजी कर रहा है, कहता है आई कैन किक यू आउट. मेरी वाइफ है बैठी उसके सामने, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है. मैं भी चढ़ गया, उसमें मुझे आंखें दिखा रहा है, मैं भी दिखा रहा हूँ. मैंने कहा करके दिखा किक आउट, फिर निकल गया आगे जाके. देखो वैसे मैंने देखा ना हमारी कौम ना बगैरत ही रहते हैं बाहर जाके सारे. सही कह रहे थे मामू कल के, देसी ना चवल ही है अपने. क्लासिस्ट कौम है हम. अंदर गए वो VIP तुमने 10 बनाई हुई, टेबले VIP की बनाई हुई, पहले ही बंदा अंदर जाके डाउन फील करे. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी क्यों नहीं रखी भाई? वो बेचारे सारे पीछे खड़े हैं, लोग ना लाइनों में अभी भी वेट करेंगे, उनको जगह नहीं मिल रही. अमेरिका में एज एन इंडिविजुअल सबकी रिस्पेक्ट होती है, फ्रॉम अ फार्मर ऑल द वे टू अ CEO एक ही तरह देखा जाता है. कल को मैं कोई मीट एंड ग्रीट रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी ऐसे करूंगा कि आए हो यार ये जी अब्दुल गफूर साहब है, इनकी स्पेशल सीट है, आप लोग जो है ना मीट एंड ग्रीट, वो पीछे जाके दफा हो जाओ. आज आप लोग सोचोगे कहानी सुनने आए होंगे, लेकिन क्रिटिज्म सुनो. नहीं और अंदर हम सिर्फ नहीं आए, सारे बंदे ये बात कर रहे हैं. ये तो मैंने ऑफ कैमरा नहीं बताई, मैं ऑफ कैमरा इतने लोगों से बात करता कहता हाँ यार बदतमीजी की बात है. फिर अगली दफा कोई आएगा इस तरह देख लो, रेहान सिद्दीकी कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, रेहान सिद्दीकी हाँ भाई ये लो तुम्हारा नाम डाल दिया, ये कोई भी इससे ना करवाओ. इसने आतिफ असलम का भी कॉन्सर्ट ह्यूस्टन में अटेंड कराया था, ओवरबुक कर दी थी टिकट सी के और सारे लोग बाहर लाइन में खड़े. वी बॉट टिकट्स फॉर आतिफ असलम्स ह्यूस्टन कॉन्सर्ट एंड कुडंट गेट इट. अपेरेंटली द प्रोड्यूसर ओवरसोल्ड टिकट्स एंड वाज डिनाइंग पीपल हु पेड एंट्री. You're literally stealing people's money, right? $50 ले लिए, ठीक है, इवेंट कुछ था ही नहीं, शादी पे आ जाओ ये लो. मेरी वाइफ के सामने तो बदतमीजी ना करो भाई. किस एंगल से आ रहे हो कौन तुम इधर? ये पाकिस्तान थोड़ी है कि तू आएगा मेरे से बदतमीजी करके चलाएगा, मैं उल्टा टांग देता कंडू को. कंट्रोल तमीज से कह सकते हो आपको आके यार प्लीज, मैंने आपको कहा था सर ना रिकॉर्ड करें, वो माइंड करें. आई टोल्ड यू द सेकंड टाइम भाई, तू है कौन? खैर एनीवेज सॉरी बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग अगेन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे फॉर अ कॉन्सर्ट, बट इट इज व्हाट इट इज मैन. वी रियली नीड टू लर्न सम मैनर्स बिफोर वी कैन ग्रो एज अ कंट्री. बॉयज एंड गर्ल्स व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं. इफ यू लाइक दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक.
the video and don't forget to subscribe boys and girls. Pata nahi aainda se main is tarah ke concerts pe jaunga nahi jaunga lekin desi events pe dusre pe jayenge. I'll see you on the next vlog inshallah. Come here girl. Go ahead, be gone. Come to the back. Go ahead, be gone. VIP. Go ahead, be gone. Drinks on me. Go ahead, be gone. Go ahead, be gone.